गुड मॉर्निंग। आज बहुत तेज बारिश हो रहा है, आप देख सकते हैं। आज से नहीं बोल के आज से दो दिन तीन दिन हो गया लगातार बारिश से। क्या करो यार, बारिश से हालत खराब है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा। अभी रास्ता भी जो हमारा रिसेंटली बनाया था, जो पाइपलाइन के लिए उसमें गड्ढा खोदा था, वो गड्ढा से निकाल के जो कीचड़ है ना, वो पूरा रास्ता में आ गया है। तो बहुत बहुत खराब है। आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ, क्लिप दिखाता हूँ। बहुत खराब हो चुका है रास्ता। क्या बताऊं यार, दिमाग खराब करके रखा है ये बारिश। एक्चुअली बारिश के लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बारिश अगर होगा तब जब जो हमारा किसान है वो लोग खेती कर सकेगा अच्छा से। अगर खेती नहीं हम लोग तो खाएंगे कहां से, है कि नहीं? तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो। तो वही है, एक तरफ से हम लोग का नुकसान है, दूसरी तरफ से हम लोग का फायदा भी है। और बारिश होने से क्या होता है, हम लोग का जो हमारा सामने हमारा नदी है सुकला रिवर, आप लोगों को दिखाऊंगा कभी, वो रिवर में क्या होता है, थोड़ा बारिश होने से भी मतलब जो हमारा माउंटेन है, पहाड़ है, उसमें से पानी निकल के आता है बहुत सारा और बाढ़ का रूप ले लेता है। और बाढ़ होने से क्या होता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले क्या था क्या नहीं। मतलब जो खेती था वो खेती पूरा ये हो गया, फ्लड के कारण वो पूरा रेत पूरा भर गया है। तो इस तरह से हो गया है, आप लोगों को कभी दिखाऊंगा। तो वही है, लास्ट में जाके मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। बारिश देखो एक तरह का मतलब नुकसान भी है और ये हम लोग का फायदा भी है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं और कितना दिन तक बारिश देगा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, कुदरत के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? ओके ठीक है, मिलते हैं।